मैं मेरी पुलिस के खिलाफ क्या जांच कराऊंगा? कल तो मेरी पुलिस कहीं भी किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए जाएगी नहीं, मैं कितने धक्के मारूं। तो ये कहेगा कि तुम हमको आगे भी करते हो, मरवाने के लिए भेजते हो और हमारे खिलाफ भी जांच तुम लोग कराते हो। अगर वो कराना चाहें, कोर्ट उनके लिए रास्ता खुला है और कोर्ट ने जो एनकाउंटर में जो गाइडलाइंस दे रखी है 16, हमने उसका 100% पालन किया। दोबारा उन्होंने कहा पोस्टमार्टम कराओ, दोबारा पोस्टमार्टम करा दिया, उनकी बॉडी को घर जाकर के सुपुर्द कराया है। उसके बाद भी अगर अब क्या अपील करेंगे आप? हमारी अपील ये है कि जनता को भी मुंह खोलना चाहिए। अगर इस प्रकार की घटनाओं पर भी अगर पुलिस को कटघरे में खड़ा करना ही वो अगर सुरक्षा के लिए उचित मानते हैं तो उनको बहुत मुबारक, और नहीं तो पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस के साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। हमने उनको कहा भी तुम बात करना चाहो तो जिन विषयों पे लाओ, बात तो लिख करके लाओ, किस बात करना चाहते। बात चल रही थी, अपनी जगह चल रही थी, लेकिन जो भाषण देने वाले लोग हैं वो जला डालो, मार डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, स्टेशन को ये कर दो, वो कर दो, और उधर बात चल रही, इधर ये दोनों ने 2,500 लोगों ने स्टेशन के ऊपर चले गए जहाँ गाड़ी खड़ी थी। वहाँ हमारे पास छोटी सी फोर्स थी, 50 लोग थे, लेकिन ट्रेन को बचाना और लोगों को सुरक्षित करना हमारी ड्यूटी थी, और इसलिए हमने वहाँ तुरंत अश्रु गैस का प्रयोग करके और उनको खदेड़ने का काम किया। तो वो वहाँ से तो भागे, उन्होंने 2 हमारे RSC के जवानों को पकड़ करके अगल कमरे में मारपीट करके उसको बंद कर दिया। SP को सूचना मिली कि उसको जला देंगे जिन लोगों को पकड़ा है उनको, तो SP रश करके भागा बिना कोई बहुत तैयारी और फोर्स के भागा और स्टेशन की ओर आ रहा था। इधर से ये भीड़ वहां से जैसे अश्रु गैस और उन्होंने प्रयोग किया तो ये खदेड़ करके पीछे लौट रहे थे। दुर्भाग्य था कि दोनों आमने सामने आ गए। उस आमने सामने में हमारी SP की गाड़ी को घेर लिया, SP के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, उसकी गाड़ी को आग लगा दी, बाहर पकड़ के मारपीट किया। उसके साथ एक अंडर ट्रेनिंग SP भी हमारी साथी, उस महिला को भी जिस तरह से उन्होंने ह्यूमिलेट किया, तो वहाँ के वो जो साथ में गनमैन था उसने जरूर फायर करके इन लोगों को बचाने का प्रयास किया। इतनी सी घटना थी, बाकी तो जो कुछ भी हुआ है अधिकांश इंजर्ड जो है वो पुलिस वाले हैं। अब मैं जनता से चाहता हूँ कि जनता कम से कम मुंह खोले कि इस प्रकार के ऑपरेशन पुलिस को करना चाहिए या पुलिस को हथियार डालकर के घर चले जाना चाहिए। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं।